नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हो एसएससी स्टॉक मार्केट। बात करेंगे मदरसन के बारे में, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। 11 जुलाई 2024 की एक न्यूज, दो न्यूज निकल के सामने आई हैं और दोनों इम्पोर्टेंट न्यूज है। हालांकि बहुत ज़्यादा इनका जो है मार्केट पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को जानना चाहिए क्योंकि ये स्टॉक से रिलेटेड न्यूज है और ऑफिशियल न्यूज है। ये उड़ती उड़ती वाली खबर नहीं है कि कोई कुछ बोल दिया, कोई कुछ बोल दिया। जो यहाँ पे पीडीएफ आप देखते हो, एक पीडीएफ ये वाला और एक पीडीएफ दूसरा वाला, ये वाला पीडीएफ है, ठीक है ना। दोनों सबसे पहले पीडीएफ में एक इनकी सब्सिडरी कंपनी ने फंड रेजिंग किया है, यहाँ पे नहीं विदेश में, यूएस डॉलर में, ठीक है ना। और उसका यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आया है, ठीक है ना। और इसको अगर हम लोग हिंदी में कन्वर्ट करके देखेंगे तो यह हमारे 26 जून 2024, 3 जुलाई 2024 के हमारे पत्र के अलावा हम सूची, मतलब इसका पहले भी अपडेट आ चुका है, मतलब इससे जुड़ा हुआ अपडेट 26 जून को और 3 जुलाई को जो यहाँ पे कंपनी लिख रही है ना, ये हमारे पत्र के अलावा हम सूचित करना चाहते हैं कि एसएमआरसी ऑटोमोटिव होल्डिंग नीदरलैंड बीवी जारीकर्ता नीदरलैंड के कानूनों के तहत निगमित एक कंपनी और संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी की स्टेप डाउन सहायक कंपनी ने यूएस डॉलर में नामित वरिष्ठ सुरक्षित गारंटीकृत नोट्स के आवंटन के माध्यम से 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर धन जो है जुटाए हैं। तो ये एक न्यूज़ निकल के सामने आई है कंपनी की तरफ से कि इनकी सहायक कंपनियों ने जो है फंड रेजिंग की है। इसका यहाँ पे अपडेट आया है, बहुत लंबा चपड़ा है, 3 पेज का है। यहाँ पे देख तो एसएमआरसी ऑटोमोटिव होल्डिंग नीदरलैंड बीवी कंपनी की एक सहायक कंपनी है। 5 साल के लिए नोट्स इन्होंने जारी किया है और इसके तहत इन्होंने जो है फंड रेजिंग की है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इससे यहाँ पे बताया गया है कि इस कंपनी पे कोई भी प्रभाव भाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। एक और न्यूज है, हाँ ये तो यही बड़ी न्यूज है और ये एक न्यूज है। देखिए ये न्यूज लेटेस्ट आई है अभी, देखिए 7:44 पे खबर आई है और 8 बजे के आसपास, नीचे देखिएगा यहाँ पे मेरे लैपटॉप पे डेट टाइम दिख रहा होगा, 8 बजे के आसपास का अपडेट दे रहा हूँ। मतलब केवल 16 मिनट के डिले से बता रहा हूँ वीडियो, इतना फास्ट कोई अपडेट नहीं देगा भाई। लाइक करिएगा वीडियो, ठीक है ना, तभी आगे वीडियो बनाऊंगा। अब देखिए अगला जो है ना, तो अगला भी वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन दो इनके प्रमोटर, हालांकि उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके एक प्रमोटर और एक प्रमोटर ग्रुप से जुड़े हुए व्यक्ति, इन दोनों ने रिक्वेस्ट किया है, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन रिवाइज फॉर एमएस सुमितोमो वायरिंग सिस्टम लिमिटेड, ये एक कंपनी है, और एक एस एच के एम सुतगलत आर मिस्टर एस एच के वायरिंग सिस्टम लिमिटेड। तो ये दो लोग हैं ना, एक प्रमोटर हैं और एक प्रमोटर ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं। अब इन दोनों ने क्या कहा है ना कि हमको जो है ना ये प्रमोटर ग्रुप से निकाल के पब्लिक ग्रुप में डाल दीजिए। अब देखिए प्रमोटर ग्रुप के भी कई सारे फायदे होते हैं, कई सारे नुकसान होते हैं। हाँ पब्लिक ग्रुप के भी कई सारे फायदे होते हैं, कई सारे नुकसान होते हैं। तो अब इनका जो है व्यू है कि पब्लिक कैटेगरी में इनको कर दिया जाएगा। अब इनके पास कितना है और इसके लिए एक वोटिंग होने वाली है, ठीक है ना, कि क्या इनको पब्लिक कैटेगरी में किया जाए या नहीं किया जाए। तो ये वोटिंग होने वाली है, वोटिंग कब होगी, तो वोटिंग जो है स्टार्ट टाइम जो होगा वो सैटरडे शनिवार 13 जुलाई 2024 से होगा, और वहीं पे वोटिंग का एंड टाइम होगा संडे 11 अगस्त 2024, ठीक है ना। तो 13 जुलाई से 11 अगस्त, मतलब एक महीने के आसपास ये वोटिंग चलेगी, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 13 अगस्त 2024 को, ठीक है ना। और इसके लिए कट ऑफ डेट जो रखा गया है, मतलब एक तरह से कहले रिकॉर्ड डेट, जो मतलब इसमें वोटिंग में हिस्सा ले सकता है, 5 जुलाई 2024 रखा गया था। और 5 जुलाई मतलब 4 जुलाई, 4 जुलाई तक जिसने भी खरीदारी किया होगा या खरीद के पहले से होल्ड किया होगा वो ये इस वोटिंग में हिस्सा ले सकता है। वोटिंग कैसे करना है इसका डिटेल नीचे सब कुछ दिया गया है, केपी टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पे आप लोगों को जाना पड़ेगा, वहां से देना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से पीडीएफ ओपन करोगे इसमें जो है आप लोगों को दिख जाएगा। अब कितना कितना स्टेक किसके पास है, तो देखिए बढ़िया स्टेक है भाई दोनों लोगों के पास, एक के पास ज्यादा है। ये सुमितोमो वायरिंग सिस्टम लिमिटेड जो एक नंबर पे ये प्रमोटर है, मेन प्रमोटर है, इनके पास टोटल अगर हम लोग देखेंगे तो 65,89,55,936 इक्विटी शेयर हैं। कितने इक्विटी शेयर हैं, लगभग लगभग 66 करोड़ इक्विटी शेयर जो है सुमितोमो के पास है, वायरिंग पास।
जो परसेंटेज वाइज देखेंगे 9.72%, सीधा सीधा कह ले पौने 10% के आसपास स्टेक है। वहीं पे जो एच के वायरिंग सिस्टम लिमिटेड है, ये प्रमोटर ग्रुप से आते हैं, इनके पास भी 1,14,90,526 इक्विटी शेयर हैं, जो टोटल मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के 0.17%, मतलब मामूली सा एकदम जो है स्टेक है। टोटल अगर हम लोग मिला लें तो टोटल इन लोगों के पास इक्विटी शेयर है 67,04,46,462 इक्विटी शेयर, जो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का 9.89% आ रहा है, मतलब 10% से बहुत थोड़ा सा कम, मतलब टोटल 10% लोगों के पास स्टेक है, और ये लोग बोल रहे हैं कि हमको पब्लिक कैटेगरी में कर दीजिए। अब वोटिंग कैसे करना है, इसके लिए आप लोगों को इसी वेबसाइट पे आप लोगों को जाना पड़ेगा, केपी टेक्नोलॉजी का भी वेबसाइट है, ई वोटिंग, देखिए ई वोटिंग करके है, आप लोग लाइक अगर ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, यहाँ पे टोल फ्री नंबर, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ से हटा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको यहाँ पे ही आधा कुछ पता चल जाएगा कि फैक्स नंबर, टोल फ्री नंबर, यहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हो आप लोग, यहाँ पे भी नंबर दिया गया है, टोल फ्री नंबर, टेलीफोन नंबर है, ठीक है ना, और इस तरह से दिया गया, आप लोग जाके वोटिंग कर सकते हो अगर एलिजिबल हो तो। NSDL पे भी आप वोटिंग दे सकते हो, सीडीसल से भी वोटिंग दे सकते हो, ईजी और ईजीएस के माध्यम से, ठीक है ना, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगर चार्ट के बारे में बात करेंगे तो आज इसमें जो है टोटल वहीं पे 1,70,00,000 इक्विटी से ट्रेड हुआ है, कितना ट्रेड हुआ है, 1,70,00,000 इक्विटी से टोटल ट्रेड हुआ है इसमें, और टोटल जो ट्रेडेड वैल्यू है 334 करोड़ रुपए के आसपास आ रही है। आज का डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे तो 40.5% के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज निकल के सामने आ रही है। यहाँ पे कंपनी जो है T+0 कैटेगरी में आ चुकी है, मतलब आज खरीदोगे तो आज ही शेयर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी और कोई अपडेट नहीं है, शेयर होल्डिंग पैटर्न का डाटा देखना पड़ेगा, आया है कि नहीं आया है, नहीं आया है अभी, आएगा तो अपडेट दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। चार्ट पे कुछ नहीं करना है, सिंपल स्ट्रेटजी जो पीछे बताया हूँ वही फॉलो करना है, 187 रुपये, 185 रुपये के ऊपर ऊपर है हर डिप पे हम लोगों को खरीदारी करना है, 240 रुपये के आसपास का इसमें हम लोगों को टारगेट मिलने वाला है, और 175 रुपये के नीचे डेली कैंडल के क्लोजिंग के बेसिस पे हम लोगों को इसमें स्टॉप लॉस फॉलो करना है। वहीं पे बुलिंजर बैंड की मानेंगे तो बुलिंजर बैंड थोड़ा सा साइडवेज का इंडिकेशन दे रहा है, और वहीं पे अगर हम लोग RSI का माने तो RSI भी जो है 70 के लेवल को तो ब्रेक कर दिया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 60 तक जो है RSI का सपोर्ट बन रहा है, 60 के लेवल के जब तक RSI ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक उतना ज़्यादा कोई टेंशन होना नहीं चाहिए। देख लीजिएगा आप लोग, 1% की गिरावट आई है उसका कोई उतना ज़्यादा महत्व है नहीं, ठीक है ना। वीडियो पसंद आ गया है लाइक करिएगा जरूर आप लोग, और आगे भी वीडियो मैं बनाता रहूँगा इससे लेटेस्ट वीडियो, ठीक है ना, लाइक करिएगा दबा के आप लोग।